दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज मैं ऐसी 10 गाड़ी लेकर आया हूँ जो ग्लोबल एनकैप जिनका किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा जो कम स्टार रेटिंग जिन्होंने अचीव करी, आज उनके बारे में मैं बताऊंगा और कौन सी गाड़ी है जो आपको नहीं लेनी चाहिए। तो आज ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को डेडिकेटेड है जो नई कार लेना चाहते हैं और ग्लोबल एनकैप की रेटिंग को थोड़ी वरीयता देते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर ही मिलती हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। 10 नंबर पर जिसको लिया है वो है हुंडई की क्रेटा। आपको जानकर थोड़ा शौक लगेगा कि भाई क्रेटा जितनी अच्छी गाड़ी को आपने काम डाउन में ऐसे क्यों रखा है, जिसमें 10 लाख से शुरू होती है और 18 लाख तक जाती है इसकी एक्स शोरूम कीमत। और गाड़ी जो है 1.5 और मल्टीपल इंजन ऑप्शंस के साथ में मिलती है विद मल्टीपल, इसमें आपको बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी को जो है 3 स्टार मिले हैं ग्लोबल एनकैप में। दैट इज नॉट एक्सपेक्टिंग विद द 18 लाख रुपीज का अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं और आपको उसमें पता चले कि वो ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 3 रेट लेकर आई है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप 18 लाख रुपए किस चीज पर खर्च कर रहे हो। 9 नंबर पर है वैगनार, जिस जो आती है 1 लीटर और 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ में, जिसको 2 स्टार मिलते हैं ग्लोबल एनकैप में। और अगर आप 8 लाख की कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि आप 8 लाख की गाड़ी खरीदते हैं और जिसको 2 स्टार मिलते हैं। वैसे मैं भी उसी में बैठा हूं, लेकिन भाई मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि जो गाड़ी है अगर आप आराम से चलाते हो तो हर कोई आपके लिए सेफ है, लेकिन आप तेज चलाते हो तो कोई भी गाड़ी आपको नहीं बचा सकती। फिर भी स्टार रेटिंग काफी काम आती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। गाड़ी को तेज चलाते वक्त आप बिल्कुल सावधानी से चलाएं और बिल्कुल आराम से चलाएं, जितना हो सके अपनी गाड़ी को इंजन को स्मूथ रखें। सो 9 नंबर पर थी वैगनार। सो गाइस, ग्रैंड आई 10 न्योस को भी मैंने यहाँ पर शामिल किया है जो कि इसी की कंपटीटर है वैगनार की, और ये भी हाईली अनसेफ कार है क्योंकि 2 स्टार रेटिंग के साथ में आती है। सो गाइज, नंबर 8 पर आती है स्विफ्ट, जो कि 1198 cc के इंजन के साथ में आती है। इसको मिलते हैं ग्लोबल एनकैप में 2 स्टार और लैटिन में तो इसने 0 स्कोर किया है। ये भी बहुत ही अनसेफ कार पाई गई है और जितना इसमें पैसा लगता है उस हिसाब से वैल्यू फॉर वर्थ नहीं है इसकी। और अगर आप इसकी कंपेयर दूसरे इसके कंपेटिटर्स के साथ में करेंगे तो एल्ट्रोज जैसी बढ़िया गाड़ी भी आपको इसी प्राइस रेंज में मिल जाती है, तो फिर मारुति को थोड़ा सा उस बारे में सोचना चाहिए कि वो इस गाड़ी के साथ में क्या कर रहे हैं और लोगों को क्या डिलीवर कर रहे हैं। गाइस, अब बारी है नंबर 7 की। तो भाई नंबर 7 पर कौन सी गाड़ी है? नंबर 7 पर है मारुति सुजुकी की इको, जो 1.1 लीटर इंजन के साथ में आती है और इसका जो कर्व वेट है वो 1050 kg का है। बहुत ही हल्की गाड़ी है और 8 सीटर है, तो ये सोचने वाली बात है कि अगर 8 सवारियों को ये लेकर जाती है तो ये मौत का पूरा सामान पैक करके निकलती है। 6 लाख से 6.5 लाख के बीच में आपको ये गाड़ी मिल जाती है और इसको 0 स्टार रेटिंग मिला, ये समझ लीजिए कि इसमें बैठकर आपके बचने के कोई भी चांस नहीं है। तो ये भाई इको का जो मैंने बता दिया कि ये 7 नंबर पर हमने इसको रखा है। अब बात करेंगे नंबर 6 पर हमने रखा है मारुति सुजुकी सिलेरियो को, जो 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ में आती है। इसको इसका जो कर्व वेट है वो 900 साढ़े 900 किलो के आसपास की ये गाड़ी है और 6 लाख से लेकर 7.5 लाख 8 लाख तक आपको ये टॉप मॉडल जो है इसका जाता है और इसको मिलते हैं 0 स्टार रेटिंग इन ग्लोबल एनकैप। तो भाई ये हाईली अनसेफ कार है, ऐसी कारों को आप प्रीफर मत करो, क्योंकि जान जो है पैसा जो है कमाया जाता है, लेकिन जान जो है वो एक बार चली गई तो भाई वो वापस नहीं होती है। सो नंबर 5 पर हमने रखा है मारुति सुजुकी की ही अगेन एस्प्रेसो, जिसको मिलते हैं ग्लोबल एनकैप में 3 स्टार बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 3 स्टार भी है क्योंकि गाड़ी बहुत ही हल्की है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो 3 स्टार भी है। 998 cc का इंजन उसका आता है, 775 kg का कर्व वेट है, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए तक आपको ये मिल जाती है, मतलब जो टॉप मॉडल है उसका मिल जाता है। भाई गाड़ी इतनी हल्की है, मुझे पता नहीं है कि ग्लोबल एनकैप ने इसको कैसे 3 स्टार दे दिए, लेकिन वो भी वही डीएनए की है जो मारुति सुजुकी की ये वैगनार है और जिसकी मारुति सुजुकी की सिलेरियो है, तो उसी के बीच की कड़ी है, तो इतना 3 स्टार कैसे अचीव कर लिया मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन 3 स्टार नहीं है, 2 स्टार है। चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी में ये 2 स्टार लेकर आई है, 3 एडल्ट में बोलते हैं लेकिन पता नहीं कैसे बोलते हैं। सो ये थी 5 नंबर की एस्प्रेसो। अब सो गाइस, बात करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर जो आती है वो है आपकी रेनो की क्विड, जिसको मिलते हैं 2 स्टार
और ये 1 लीटर इंजन ऑप्शंस के साथ में आती है और 800 सीसी में भी आता है लेकिन 1 लीटर में भी है। और इसका जो कर्व वेट है वो 756 केजी है, मतलब 756 किलोग्राम की ये गाड़ी है जो कि बहुत ही अनसेफ है और 2 स्टार लेकर आई है, तो ये भी आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि काफी गाड़ी ये भी 5 लाख से ऊपर आती है। तो अगर आप 5 लाख रुपए से ऊपर कोई गाड़ी खरीदते हैं तो फिर आप थोड़ा सेफ्टी और सब कुछ आप सोचकर चलिए। वैसे 5 लाख से नीचे की फिर कोई गाड़ी है भी नहीं अभी, लेकिन फिर भी जब आपके 5 लाख रुपए आपको वेस्ट करने हैं तो किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, उसको वेस्ट करने से अच्छा इन्वेस्ट करिए। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर भाई कौन सी गाड़ी है? नंबर 3 पर है हुंडई की इओन, जिसको मिले हैं 0 स्टार रेटिंग। वैसे ही गाड़ी अभी डिसकंटिन्यू हो गई है मारुति सुजुकी उसकी हुंडई की तरफ से, लेकिन गाइज अगर आपको ये सेकंड हैंड भी लेनी है तो मत लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा है कि आप कोई अच्छी क्वालिटी की कोई गाड़ी ले खरीद लें। इससे अच्छी तो आपकी एस्प्रेसो भी है अगर कंपेयर ही करना है तो। 715 किलोग्राम की ये गाड़ी आती है, सो इसको भी आप अवॉइड करिए। तो गाइज हमारे काउंटडाउन में नंबर 2 पर है डेटसन की रेडी गो, जिसका कर्व वेट है 650 किलोग्राम, 800 सीसी से लेकर ये 1 लीटर तक इसका इंजन मिल जाता है। इसको मिलता है सिर्फ 1 स्टार। गाड़ी हाईली अनसेफ है और अनप्रिडिक्टेबल है गाड़ी, तो आप इसको अवॉइड करिए, ये अच्छी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। आ गया फाइनल और अब बताता हूँ नंबर 1 पर कौन सी गाड़ी है। सो गाइज नंबर 1 पर जो है मारुति सुजुकी की, अगेन मारुति छाई हुई है इस पूरी जो लिस्ट में है वो मारुति सबसे ऊपर है। मारुति की ऑल्टो, जिसकी जो 800 सीसी में इंजन ऑप्शन आता है, इसका 850 किलोग्राम इसका कर्व वेट है और 0 स्टार रेटिंग ये कार है। आप उससे चाहें तो उससे ज्यादा तो आप कोई और गाड़ी खरीद लें, किसी और कंपनी की कोई गाड़ी खरीद लें जो कि थोड़ी अच्छी आती है। सो ये थी 10 ऐसी कार जो जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। सो गाइज ये थी वो 10 गाड़ियां जिनको हमने बताया कि आपको के लिए कौन कौन सी अनसेफ कार हैं जिनको आपको नहीं खरीदना चाहिए, उनकी ऑप्शन आप वो दूसरे मार्केट में हैं जो कि ज्यादा स्टार रेटिंग के साथ में आते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और स्वतंत्रता दिवस की आपको एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।